कोरोना वायरस को लेकर इन दोनों जगह जगह अफरा तफरी देखी जा सकती है। गली नुक्कड़ सहित सभी स्थानों पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोरोना को लेकर चर्चा ना होती हो, तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस संबंध में भले ही स्वास्थ्य विभाग लाख दावे कर रहा हो, कोरोना वायरस के जागरूकता की बातें कर रहा हो, सतर्क रहने की बात कर रहा हो, लाखों रुपए खर्च होने की कवायद भी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। कोरोना वायरस को लेकर जो महामारी टाइप का फैल रहा है पूरे विश्व में, उसको लेकर आज एक दिवसीय परीक्षण किया गया, जिसपे कोरोना वायरस के लक्षण, जैसे कई लोग घबरा रहे हैं कि हम कोरोना वायरस होते, उसके लक्षण को बताया गया और कोरोना वायरस के बचाने के लिए उपाय बताया गया कि कैसे अपन बच सकते हैं। कई प्रकार के बचाव हैं उस पर, जैसे अपन हाथ धो आधे आधे घंटे में, किसी हाथ ना मिलाएं, हाथ ना मिलाए तो अगर हाथ धोकर अपन करें, खाना खाएं, कहीं पर किसी चीज़ को छुए तो हाथ धोएं, इस टाइप के उपाय बताए गए और सबको मतलब जागरूक करने के लिए और गाँव को जाकर जागरूक करने के लिए ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं। एक ये महाराष्ट्रीय महामारी टाइप की बीमारी हो गई है और इसको केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी ने भी गंभीरता से लिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सभी देश और विदेश के लोगों से अपील की है कि कोरोना के बारे में सावधान रहना है, ताकि कोई हमारा देश प्रदेश के लोग इससे प्रभावित न हो। लेकिन बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा, कहीं जन जागरूकता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और ग्रामीण शिक्षा के अभाव में बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, कोरोना क्या बीमारी होती है इसको नहीं जानता है। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर अच्छा जन जागरूकता प्रचार करे, ताकि ये बीमारी से देश के प्रदेश के गाँव के लोगों को बचाया जा सके। कहीं मैं मास्क लगाया कर, क्योंकि मैं शहर से भी जुड़ा हुआ, शहर में भी आता जाता हूँ, कहीं मास्क नहीं लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। मैं अपील करना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को कि वो पूरी प्रदेश के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में भी इसका प्रचार प्रसार करें और जो भी इसकी सावधानियां हैं उसके बारे में एक एक लोगों को बताएं, ताकि इस रोग से, महामारी रोग से देश के और प्रदेश के जनता को बचाया जा सके। लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय चिकित्सा विभाग द्वारा कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है, ना ही कोई कार्यशाला की जा रही है, ना ही किसी तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को लेकर लोग सजग नहीं है, इसका मुख्य कारण है प्रचार प्रसार का अभाव होना। हालांकि जब मीडिया ने इसकी हकीकत मालूम करनी चाहिए तो कई बातें सामने आई। अस्पताल में कुछ स्वास्थ्यकर्मी मास्क लगाकर देखे तो कुछ ऐसे ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। अस्पताल के अलावा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर जब देखा गया तो वहां सफाई कर्मचारी साफ सफाई करते नजर आए, लेकिन कई जगहों पर कचड़े के ढेर भी दिखाई दिए, गंदगी भी दिखाई दी। स्वास्थ्य विभाग उमरिया के द्वारा मुख्यालय में बीते दिनों इस संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन तो किया गया, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में अब तक ऐसे कार्यक्रम करने की बात सामने नहीं आई है। इस संबंध में BMO VK जैन से जब बात की तो उन्होंने भी अपनी बातें साझा की हैं। वहीं कमिश्नर RV प्रजापति ने कहा कि हमारे यहाँ स्थिति सामान्य है, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है। कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि C-19 नामक वायरस से होता है और इसका टेस्ट भी इसी के नाम से दिया गया है। और अभी अपने भारतवर्ष में और अपने ज़िले में जो हमको बताया गया है कि हमको अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वायरस से सस्पेक्टेड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाना है, तो मैंने अपने बीच वाले अस्पताल में उसको खाली करा दिया है और सभी 4 बेड बेस्ट क्षेत्र तक दिए हैं। प्लस अपने स्टोर कीपर को बोला है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर और एसेंशियल जीवन रक्षक दवाएं वहां पर रख दें। जैसे ही कोई मरीज हमारे पास भर्ती ले आता है, हम तत्काल उसको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और उसकी थ्रोट स्वाब की जांच उमरिया में भेजेंगे। ये हमारी व्यवस्था है। सर, मास्क को लेकर के यहाँ क्या कुछ व्यवस्था? मास्क हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, तो अभी सिर्फ स्टाफ भर को दिए गए। सर, ये भी देखा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा स्टाफ मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। हाँ, तो वो उनको निर्देश दिए गए हैं, वो प्रयोग नहीं करेंगे तो वो खुद जिम्मेदार हैं। वो बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअली बीमारी जो है बाहर के देशों में है और हमारे देश में ना के बराबर है। वो केवल उसको बहुत ज़्यादा उसको कई बार एडवर्टाइजमेंट और इसमें करके भयावह स्थिति पैदा की जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं है और इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, चूँकि वो उसका मतलब जो है यहाँ पर अपने क्षेत्र में प्रभावित नहीं हो या अपना क्षेत्र प्रभावित नहीं हो, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाकी ऐसा कोई स्थिति यहाँ तो सामान्य है पूरी तरह से।